इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपने चुनावी प्रचार में जुटी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इलाहाबाद उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। अम्बाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इलाहाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद में फिर से चुनाव जीतकर अपने बुढ़ापे का इंतजाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी बार भी विधानसभा में विधायक बनकर जाएंगे उतनी बार उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन में बढ़ोतरी होगी, इसलिए अभय सिंह चौटाला अपनी रिटायरमेंट के बाद पेंशन में बढ़ोतरी चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक वजूद समझ आ गया है और 2024 के अंदर उनकी पार्टी की दुकान बंद होने वाली है। देखिए, मुझे लगता है इलाहाबाद का चुनाव ये दुनिया में पहला ऐसा चुनाव बाई इलेक्शन होगा। जो बाई इलेक्शन आता है वो संविधान या भगवान की मर्जी से आता है। या तो कोई टेक्निकल दिक्कत हो, कोई पर्चा रद्द हो जाए, कोई केस की दिक्कत हो, तो संविधान उसमें इंटरफेरेंस करता है और बाई इलेक्शन आता है, या भगवान किसी को अपने पास बुला ले तो बाई इलेक्शन आता है। लेकिन ये पहला ऐसा बाई इलेक्शन है जो एक इंसान की जिद की वजह से आज बाई इलेक्शन झेलना पड़ रहा है। प्रदेश के करोड़ों रुपए इसमें स्वाहा हुए हैं और आज जो त्यौहारों का सीजन है, व्यापारी वर्ग है चाहे कमेरा वर्ग है, उसको सीजन के नाते धान की सीजन है, तो मेरे किसान भाई हैं, धान की सीजन है, और वहाँ तो इलाहाबाद में तो सरसों का सीजन भी चल रहा है, इलाहाबाद के अंदर बाजरे का सीजन भी चल रहा है, धान का सीजन भी चल रहा है, कॉटन का सीजन भी चल रहा है। यानी जिस प्रकार से आज एक व्यक्ति ने, एक इंसान ने अपनी जीत के कारण इस बाई इलेक्शन को जन्म दिया, और जबकि उन्होंने सौगंध ली थी कि जब तक इन कानूनों का कुछ नहीं होगा मैं तब तक विधानसभा के अंदर पैर नहीं रखूँगा, केवल अपने वजन को तोलने के लिए, या मैं ये कहूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपना राजनीतिक वजूद जो है समझ आ गया है कि वो समाप्ति की ओर है, और 2024 के अंदर उनकी पार्टी की दुकान बंद होने वाली है। और आप विधानसभा के अंदर जितनी बार विधायक बन के जाओगे तो आपको पेंशन उतनी बड़ी हुई मिलती है, तो अभय सिंह चौटाला जी तो अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं। एक बार किसान साथियों की सहानुभूति के ऊपर चढ़ के इस चुनाव को जीतने का वो प्रयास कर रहे हैं ताकि एक बार और गिनती में विधायक बन के तो रिटायरमेंट के बाद बड़ी हुई पेंशन ले सकें। भाजपा को कहाँ खड़ा मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो जनता का एक विश्वास, जनता वहाँ की देखिए चलती सरकार के अंदर सवारी करना चाहती है, 3 साल अभी सरकार के पड़े हैं, विकास की जो नई इबारत है सरकार न, वहाँ सरकार हमारी हरियाणा में, लेकिन इलाहाबाद में एक बार भी विधायक नहीं बना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ ना होने वाले कई ऐसे काम किए जो जनता मानती है, और अगर उनका अपना नुमाइंदा होगा तो उनको लगता है कि और धरातल तक के विकास का असर नीचे आएगा, और इलाहाबाद की जनता इस बार विकास के नाते वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मन बना चुकी है। इस बार इलाहाबाद की धरती पर पहली बार कमल।